तो ज्वाइंट वेंचर चैप्टर, ये चैप्टर का मेन थीम पॉइंट क्या है वो तुम भी जानते हो। मान लो हम और आकाश, हम लोग दोनों का अपना अपना एक बिजनेस है। मान लो आकाश का भी क्रैकर्स का बिजनेस है, फटाका का, दिवाली आ रहा है, मेरा भी क्रैकर्स का बिजनेस है। हमको आकाश कांटेक्ट किया कि नीरज सर चलिए ना, अभी दिवाली के टाइम पे ना धर्मतला में जो बाजी बाजार लगता है ना, फटाका वाला बाजार जहाँ फटाके बिकते हैं पूरे, वहां पे एक बहुत बड़ा स्टॉल मिल रहा है, दोनों मिल के लेते हैं, चलिए। तो ये कुछ दिन का बिजनेस है, ये बाजी बाजार का जो स्टॉल लगता है 7 से 10 दिन का लगता है, तो 7 से 10 दिन हम लोग दोनों मिलके वहां स्टॉल लगाएंगे। हम लोगों का, मेरा बोलने का मतलब ये था, हम दोनों का अपना अपना बिजनेस है ऑलरेडी, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, बट हम लोग एक अलग से कुछ दिन का एक वेंचर कर रहे हैं। वेंचर मतलब कोई छोटा बिजनेस एक्टिविटी। तो वेंचर का पहले मीनिंग देखो, जॉइंटली बाय टू और मोर पर्सन हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एन एग्रीड रेशियो, इट इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम दो बात बोला था, ये कुछ टाइम के लिए है तो टेम्पररी फॉर्म, और हम बोला था दो लोग मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट या लॉसेस जो भी। तो एक बिजनेस में जो दो लोग एक साथ आए उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, कुछ टाइम वाला बिजनेस, टेम्पररी बिजनेस। मीनिंग क्लियर है? अब आता है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, कोई एक डैम बन रहा है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई पर्टिकुलर सीजन में कोई प्रोडक्ट का सेल करना है, कोई फिल्म बनाना है। तुम भी एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है, हम भी एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है, दोनों मिलकर पिक्चर बना रहे। कोई प्लॉट लैंड गया है जिसका एक बहुत बड़ा जमीन है, वो बिकवाना है। मेरे को लग रहा है अकेला बिकवा नहीं पाएगा, मेरा उतना औकात नहीं है, हम तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट किया कि चलो दोनों मिलके बिकवाएंगे इसको, जो भी कमीशन होगा बांट लेंगे। तो ये वन टाइम या कुछ टेम्पररी नेचर का बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद जब भी कोई प्लॉट बेचना खरीदना होगा हम दोनों साथ ही आएंगे, हम दोनों मिलकर कोई पार्टनरशिप नहीं चालू किए, हम दोनों मिलकर कुछ टेम्पररी बिजनेस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कुछ पर्टिकुलर सीजन के लिए, ठीक है? तो ये बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे होगा उसके ऊपर ये चैप्टर। आओ इसके प्रैक्टिकल पार्ट में। ज्वाइंट वेंचर बनाने का दो मेथड, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन। दो टाइप का संबंध है। जब हम लोग इस ज्वाइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स बना रहे हैं, पूरा मतलब तुम्हारा बिजनेस का बुक्स अलग है, मेरे बिजनेस का बुक्स अलग है, उनमें उसको नहीं घुसा रहे, हम लोग सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट। और दूसरा होता है जब सेपरेटली मेंटेन नहीं कर, ठीक। तो आज हम लोग पहला मेथड सीख लेते हैं, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। बस ये दो ही मेथड है और चैप्टर खत्म है। सर यहां बनेगा क्या क्या पहले वो समझ लो। यहाँ पे एक तो बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जो कैसा होगा एकदम पीएल जैसा। मतलब पीएल में क्या होता है सर, डेबिट में खर्चा लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा अकाउंट बनेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, मतलब इस बैंक में सिर्फ इस ज्वाइंट वेंचर का ही ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा, कैश या बैंक में पैसा जो आएगा या जाएगा उसका रिकॉर्डिंग होगा। और तीसरा अकाउंट खुलेगा को वेंचरर अकाउंट, मतलब दोनों आदमी का पर्सनल अकाउंट, तुम्हारा भी एक ले जाए मेरा भी एक ले। बात क्लियर है? इसमें अकाउंट क्या खुलता है जब सेपरेट सेटअप बुक मेंटेन करते हैं, तीन ही अकाउंट खुलता है। यहाँ पे एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट कुछ नहीं होगा। अरे सर 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना का तो बिजनेस ही है, इसमें क्या बैलेंस शीट बनाएंगे आप बैठ के? बिजनेस बंद, एसेट खत्म, तो एसेट आगे कंटिन्यू तो होगा ही नहीं, है ना? इसीलिए पता है इस बिजनेस में कोई एसेट खरीदता ही नहीं है। एसेट का जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, सर भाड़ा पे ले लेता हूं, या दोनों में से कोई एक जन अपना एसेट कुछ दिन के बिजनेस को यूज करने के लिए दे देता होगा, और जैसे बिजनेस खत्म अपना अपना एसेट उठा लेता हो। या बाई करने का एसेट का लॉजिक ही नहीं है सर। तो तीन बुक्स मेंटेन हो रही है। अब ये तीन ही बुक्स में तुमको सारा जर्नल सोचना आना चाहिए। आई रिपीट, ये तीन ही बुक्स में तुमको सारा जर्नल सोचना आना चाहिए। चलिए सर सोचते हैं, तुम खुद ही बोलो
ये आराम आराम से एंट्री सोचना बेटा, कुछ नहीं एकदम प्लेन पाती जबान का बात होगा। बस जब भी एंट्री बनाओ ना, मन में आना चाहिए या तो ये जेबी अकाउंट में जाएगा, या ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाएगा, या को वेंचरर के अकाउंट में जाएगा। वैसे तीन में से किन दो अकाउंट में जाएगा ये सोचना, ठीक है? बात क्लियर है? यस सर। चलो अब करते हैं। पहले जब दोनों को वेंचरर पैसा लगाएंगे, पैसा, अरे स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूशन लगेगा ना, पैसा, तो पैसा लगाएंगे तो क्या क्या अकाउंट में एंट्री जाएगा? सर एक तो ज्वाइंट बैंक में अकाउंट में पैसा आएगा, और ये कौन लगा रहा है, दोनों इंडिविजुअली अलग अलग, तो टू को वेंचरर हो जाएगा। ठीक बात? ये लोग गिवर हो गए और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। कोई एक को वेंचरर हो सकता है ना, अपने यहां से स्टॉक दे दे। मान लो हम लोग दोनों कपड़े का बिजनेस खोले 10 दिन के लिए कहीं जगह कोई बड़ा एग्जीबिशन में, तो मेरे पास वो कपड़ा का स्टॉक पड़ा था, मुझे तो ठीक है मेरे बिजनेस से रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, को वेंचरर क्या दे रहा है, स्टॉक। तो डेबिट किसको कर सकते हो सर? बैंक अकाउंट तो डेबिट हो नहीं सकता, पैसा तो आ नहीं रहा, स्टॉक आ रहा है ना। और देने वाले को तो क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट तो को वेंचरर होगा, जो भी दे रहे हैं। डेबिट क्या करेंगे सर? पीएल अकाउंट है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है? जब कोई को वेंचरर कोई एक्सपेंसेस पे करेगा तब क्या एंट्री होगा? सर को वेंचरर गिवर है और खर्चा हो रहा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा। जब ज्वाइंट वेंचर के पैसे से कोई एसेट खरीदा जाएगा या मटेरियल खरीदा जाएगा तो ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक होगा। जब भी ज्वाइंट बैंक अकाउंट से कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा तो ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक होगा। जब गुड्स बिकेगा तो ज्वाइंट बैंक में पैसा आएगा तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर होगा। और लास्ट में जब ये सारा बिजनेस खत्म करके आइटम्स का बंटवारा होगा, प्रॉफिट लॉस का, तो जिसको ज्वाइंट, जिसको जो मिल रहा है, एक मिनट क्या बोले हैं, अच्छा जब सेल प्राइस मिलेगा, हाँ तो हम जिसको माल बेचे अब उनको पैसा देगा ना, जब सेल प्राइस मिलेगा तब, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर हो। कमीशन अगर किसी को देंगे तो, कोई को वेंचरर अगर बोल रहा है हम तो एक्स्ट्रा मेहनत किया, कोई को वेंचरर अगर बोले हम तो एक्स्ट्रा मेहनत किया तो मेरे को कमीशन मिलना चाहिए, तो ये ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या एक्सपेंस है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और जिसको दे रहे हैं तो टू को वेंचर। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर, सामान बिका नहीं तो को वेंचर उठा के अपने घर सामान ले जाएगा, तो को वेंचरर ले जा रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट करो, टू ज्वाइंट वेंचर करो। जिसको माल बेचे वो, जिसको हम सामान बेचे थे वो अगर हमको शेयर्स दिए, वो अगर हमको अपने को बिजनेस का शेयर्स दे दिया तो वो शेयर को वेंचरर अपने घर ले जाएगा, तो को वेंचरर टू शेयर्स कर। अगर ये शेयर को मार्केट में बेच के पैसा उठा रहे हैं तो ज्वाइंट बैंक टू शेयर्स कर। और लास्ट में जो प्रॉफिट बचे उसका क्या होगा सर? को वेंचरर में बांट दीजिए, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर हो। लॉस हुआ तो उल्टा हो जाएगा, को वेंचरर टू ज्वाइंट वेंचर। अब फंड जो बचेगा फाइनली उस फंड का क्या करोगे सर? जो पैसा बचे वो पार्टनर्स में या को वेंचरर में बांट दीजिए, तो को वेंचरर टू ज्वाइंट बैंक करके बिजनेस को बंद कर दीजिए। मोटा मोटी क्लियर है 70% बात? अभी एक एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ सर। चलो ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक सम दिया, आदित्य एंड अमित एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल गणेश आइडल्स फॉर द गणेश फेस्टिवल। गणेश जी का फेस्टिवल है, उसमें गणेश जी का मूर्ति का बेचने का दोनों मिलके काम चालू किए, वेंचर में आए, जॉइंट वेंचर खोले, हमेशा के लिए नहीं खोले, सिर्फ इस गणेश चतुर्थी में करेंगे और फिर बंद कर देंगे। ये लोग एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोले जिसमें दोनों स्टार्टिंग में कैपिटल डाला, तो आदित्य डाला 2 लाख रुपया, अमित डाला 1.5 लाख रुपया। आदित्य बोला मेरे पास गणेश जी का मूर्ति है 25,000 रुपये का, तो वो मूर्ति वो लोग बिजनेस में डाल दिया। अमित सप्लाई डेकोरेशन मटेरियल, अमित की बोला कि मेरे पास भी कुछ डेकोरेशन का सामान है वो भी रख देते हैं, जब लोग गणेश जी का मूर्ति खरीदेंगे तो डेकोरेशन का भी सामान लेंगे,
तो आदित्य और अमित, आदित्य लाया कैपिटल 2 लाख, अमित लाया कैपिटल 1.5 लाख। आदित्य लाया गणेश जी का मूर्ति 25,000 रुपये का, स्टॉक लेकर आया। अमित भी स्टॉक लेकर आया डेकोरेशन मटेरियल का। फिर बिजनेस में जो पैसा डाला है उससे और गणेश जी का मूर्ति खरीदा लो। ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस लगा, और ये गणेश जी का मूर्ति को 4 लाख रुपये कैश में बेच दिया। जो स्टॉक बच गया आदित्य बोला वो मूर्ति हम वापस अपने घर ले जाते हैं, अपने बिजनेस में हम दोबारा ले जाते हैं। तो आदित्य टुक ओवर द सम आइडल्स फॉर 30,000, और अमित बोला बाकी बचा हुआ मूर्ति हम ले जाते हैं 10,000, और प्रॉफिट लॉस आपस में इक्वली बांटा। प्रॉफिट लॉस वो लोग आपस में इक्वली बांटा। आपको बोला ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना के दिखाओ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बना के दिखाओ, और को वेंचर अकाउंट बना के आराम आराम से लो। सबसे पहले बात, दोनों क्या डाला बिजनेस में स्टार्टिंग में? कैपिटल। कैपिटल एंट्री क्या होगा? ज्वाइंट बैंक टू को वेंचर। ये देखो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में 2 आदित्य 2 अमित, और आदित्य के अकाउंट में बाई ज्वाइंट बैंक अमित के अकाउंट में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। सर नेक्स्ट क्या किया? दोनों स्टॉक भी लेकर आया सर। आदित्य लेकर आया 25,000 का मूर्ति, और अमित लेकर आया 15,000 का पैकिंग मटेरियल। दोनों स्टॉक लाए तो दोनों में 2 को वेंचर, डेबिट क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे 2 आदित्य 2 अमित, 25,000 और 15,000, और आदित्य और अमित में लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर 25,000 और 15,000। क्लियर है? बिजनेस का पैसा से बोलो 2.5 लाख का गणेश जी का मूर्ति खरीदे, तो बिजनेस के पैसे से खरीदे, तो बिजनेस के पैसे गए तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट होगा, और डेबिट क्या होगा? सर परचेजेस है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। तो ज्वाइंट वेंचर में लिखोगे 2 ज्वाइंट बैंक, 2.5 लाख का मटेरियल खरीदे, और ज्वाइंट बैंक अकाउंट में लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर 2.5 लाख का मटेरियल खरीदे। हम एंट्री और पुटिंग साथ साथ डिस्कस कर ले रहे थे। नेक्स्ट क्या बोला? ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा। सर एक्सपेंस जब भी लगे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और पैसा लग रहा है तो 2 ज्वाइंट बैंक, तो हो गए पैसा जा रहे, तो ज्वाइंट वेंचर में होगा 2 ज्वाइंट बैंक 15-12 हजार, एडवर्टीजमेंट का लगा 7,000, तो सन्ड्री एक्सपेंस लगा 2,500, ये तीनों ही क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। तो ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे 2 ज्वाइंट बैंक, और ज्वाइंट बैंक में लिख देंगे बाय ज्वाइंट वेंचर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो लास्ट पार्ट पे आ गए। सर बचा हुआ स्टॉक का अच्छे लोग आइडियल बेचा 4 लाख का, तो बेचा तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 2 ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक, और ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे 2 ज्वाइंट वेंचर 4 लाख 4 लाख। ये भी खत्म। अभी क्या बचा? सर 15,000 का नहीं, 30,000 का स्टॉक आदित्य उठा के ले गया, और 10,000 का स्टॉक अमित ले गया। ये तो बोला हम लोग ये स्टॉक अपने घर लेके जा रहे हैं, 30,000 और 15,000 का। तो ये लोग लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? आदित्य ज्वाइंट को वेंचर अकाउंट डेबिट 2 ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि जब सामान आया था तो तुम ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर किए थे, अब सामान जा रहा है तो को वेंचर टू ज्वाइंट वेंचर डेबिट द रिसीवर। तो देखो यहाँ पे बाई आदित्य और अमित लिख दिए, और आदित्य और अमित में भी 30,000 और 30,000 और 10,000 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? एंट्री पे पैसा आया तो ज्वाइंट बैंक, पैसा आया कहाँ पे? कहाँ आया? ज्वाइंट बैंक नहीं किए बोलो। यहाँ पे 30,000 बोला, ये 30,000 दे दिया है, ठीक से लाइन पढ़ो। आदित्य टुक ओवर सम आइडल, अमित टुक ओवर रिमेनिंग आइडल। बेटा ओनर लोग ना बार बार बिजनेस में से कुछ लेके जाए तो पैसा देकर नहीं जाते, वो लोग बोलते हैं ईयर एंड में एक बार में हिसाब कर लेंगे। मतलब वो जब कुछ लेके जाए तब पैसा दे, जब कुछ लेके आए तो पैसा लेके जाए, बिजनेस में ये होता नहीं है। जो लोग ऐसे उठा के घर ले गया तो उनके अकाउंट को तो कम कर लिए ना। ये देखो
उनके अकाउंट में जब जब पैसा बढ़ रहा था, हम डेबिट हम क्रेडिट कर रहे थे ना, उनको मिलेगा पैसा। यस सर। लेकिन जैसे उनका वो लोग मटेरियल कर ले, जैसे वो लोग मटेरियल कर ले गए, हम 30,000 काट दिए। ठीक है। यस। आ जाओ लास्ट एंट्री पे। अब बोला कि ये जो प्रॉफिट लॉस है, पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट को बंद करोगे तो देखो यहाँ पे सारा एंट्री होने के बाद जो प्रॉफिट बचा दोनों में इक्वली बांट दिए, 1,28,000 प्रॉफिट बचा होगा, 4,40,000 इधर का टोटल आ रहा है, जबकि ये सब टोटल कर रहे हैं तो 25,000, 15,000, 40,000, 2,50 और 40, 2,90 और 12, 3,02,000, 3,02,000 और 10,000, 3,12,000, तो 4,40 × 3 = 12 गया, 28 बचा, 1,28,000 दोनों में इक्वली बांट दिए। अब जैसे यहाँ पे टू ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर लिखे हो, को वेंचर में क्या करोगे, इधर में उनका प्रॉफिट बढ़ा दोगे। ठीक है। पानी पियो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर? आखिरी चीज का कैसा अकाउंट बंद होगा? देखो सबसे पहले क्या अकाउंट बंद किया हम सर, सबसे पहले आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बंद किए, फिर आप क्या बंद करोगे, फिर आपको को वेंचर अकाउंट बंद करना चाहिए, क्योंकि जिसका जिधर बैलेंस बचे, अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है मतलब इतना रुपया को वेंचर लेकर जाएगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता मतलब उतना रुपया को वेंचर को लाना पड़ता, तो पहले इन दोनों का अकाउंट बंद करोगे, इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे पहले हम। अब क्या करेंगे सर? सर अब ये जहाँ पे टू ज्वाइंट बैंक लिखे हैं, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में बाई को वेंचर लिखना चाहिए, और बोथ साइड अपने आप मैच हो जाना चाहिए, हमको मैच करना नहीं पड़े, ऑटो मैच हो जाना चाहिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट, बोथ साइड मैच होकर बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई फंड बचना भी नहीं चाहिए थे जब बिजनेस को बंद ही करना है थे। तो ये था ये पूरा कार्य। इसमें खाली एक बात इस सब में नहीं आया, ये जो तुम 4,00,000 का सामान बेचे थे ना, 4,00,000 का सामान जो तुम बाई सेल्स किए थे, हो सकता था सामने वाला पार्टी पूरा 4,00,000 रुपया ना दे, तुमको बोलता 3,00,000 तो कैश ले लो, बाकी का 1,00,000 रुपए का शेयर्स ले लो, तुम किसी कंपनी को माल बेचो तो तुमको शेयर्स देता। तो जब तुम माल बेचते तो कैश टू तुम क्या करते, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, वापस साथ में शेयर्स अकाउंट भी डेबिट कर देते, और बाद में ये शेयर्स को अगर बोलता पार्टनर घर ले गया तो पार्टनर को दे देते, और अगर बिक गया तो बेच के पैसा उठा लेते, तो अगर बिक जाता तो शेयर्स टू बैंक करते, मतलब फिर पैसा आ जाता, और अगर पार्टनर घर ले गया तो शेयर्स टू सॉरी को वेंचर टू शेयर्स कर, यहाँ करते बैंक टू शेयर्स, बिक जाता तो। ये बात मेरी क्लियर है? जब तुम सेल कर रहे हो तुम एंट्री कर रहे हो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, सामने वाला अगर पूरा पैसा बैंक में नहीं देता, थोड़ा शेयर्स भी देता, तो शेयर्स अकाउंट डेबिट ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर करते। अब इन शेयर्स का क्या करते, या तो बेच के पैसा उठा लेते, क्वेश्चन बता देता, और नहीं तो मानते पार्टनर लोगों में बांट दी, तो अगर शेयर बेच के पैसा उठाते तो बैंक टू शेयर्स कर लेते बाद में, और अगर पार्टनर ले जाते अपने अपने घर तो क्या करते, को वेंचर टू शेयर्स। बस यही एकमात्र एंट्री पूरे टाइप में मिस रहा, अदरवाइज आपका पहला पार्ट पूरा खत्म, जहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होते। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सर आप बोले थे कि बस जॉइंट बैंक जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक खोलेंगे, तो शेयर्स अकाउंट क्यों? शेयर्स का अकाउंट नहीं खोलना, हम तो अकाउंट खोला ही नहीं, लेकिन शेयर मिला है तो उसका क्या करोगे? जब तुम माल बेचे, जनरली देखो ज्वाइंट वेंचर में किसी को शेयर मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिला होता तो क्या करते, तब तो शेयर्स तो आ रहे हैं ना बिजनेस में, तो इसीलिए हम एक बार शेयर को डेबिट किया, और तुरंत पहले हम शेयर अकाउंट डेबिट किया जब रिसीव किया शेयर्स टू ज्वाइंट वेंचर, और तुरंत क्या किया, या तो शेयर्स को बेच दिया मतलब बैंक टू शेयर्स कर दिया, या फिर अगर पार्टनर उठा के ले गया को वेंचर उठा के ले गए तो हम को वेंचर टू शेयर्स कर दिया, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। ठीक है, हम तुरंत उस अकाउंट को बंद ही कर दिया, हम उस अकाउंट को कंटिन्यू किए ही नहीं। सर को वेंचरर्स अकाउंट कौन सा नेचर का है? को वेंचर पर्सनल नेचर का होना बेटा, ओनर के नाम का लेजर है।
अमित का लेजर, आदित्य का लेजर, को वेंचरर कौन होता है? अमित और आदित्य इस एग्जांपल के हिसाब से, तो अमित का अकाउंट, आदित्य का अकाउंट, हम ये बोल रहे हैं को वेंचरर यानी वो इंसान, वो आदमी। तो आदमी कौन से नेचर का होता है, रियल पर्सनल की नॉमिनल? पर्सनल। तो बस को वेंचरर भी पर्सनल हो गया। ज्वाइंट वेंचर हो गया पीएल नेचर का, मतलब नॉमिनल अकाउंट, और ज्वाइंट बैंक हो गया रियल अकाउंट नेचर, क्योंकि बैंक का कैश बैंक रियल होता है। तो ज्वाइंट बैंक रियल अकाउंट हो गया, को वेंचरर हो गया पर्सनल नेचर, और ज्वाइंट वेंचर हो गया नॉमिनल नेचर। बात क्लियर? यस सर। बाकी लोग कोई क्वेश्चन कुछ बोलना है? नहीं सर। तो पहला मेथड खत्म, वेनर्जी वाला क्लास में बैठेंगे और सेकेंड मेथड खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म।